हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये पूछना है कि एमएसटी सीईटी के जो रिजल्ट्स है वो कब रिलीज हो सकते हैं एंड क्या एक्सपेक्टेड डेट्स हो सकती है। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको रिजल्ट्स के जो एक्सपेक्टेड डेट्स है वो बताऊंगा एंड कब तक रिजल्ट लग सकते हैं ये भी हम देखेंगे। पिछले साल री एग्जामिनेशन हुई थी तो क्या इस बार भी हो सकती है वो भी हम बात करेंगे उसके बारे में। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। पिछले साल के पहले मैं आपको जो डेट्स है वो बता देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया आ जाए। तो देखो गाइस, पिछले साल जो एमएसटी सीईटी की एग्जामिनेशन जो है ना वो 5 तारीख से शुरू हुई थी एंड 20 तारीख को जो है वो खत्म हुई थी। एग्जामिनेशन के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आए थे, आई थिंक बारिश वगैरह आई थी कुछ रीजन्स में, जिसके वजह से कुछ स्टूडेंट्स की री एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट की गई थी, जिसके वजह से 29 तारीख को भी एक जो एग्जामिनेशन है वो हुई थी, जिसके वजह से गाइस ओवरऑल जो रिजल्ट की डेट्स है वो एक्सटेंड हुई थी। जनरली गाइस सीईटी सेल जो है वो 15 से 20 दिन लेते हैं एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स को अपलोड करने के लिए। तो जैसे ही 29 तारीख को सभी स्टूडेंट्स की री एग्जामिनेशन वगैरह हो गई, उसके कुछ ही दिनों में गाइस जो रिजल्ट्स है वो अपडेट हो गए थे। 15 तारीख को जो रिजल्ट है वो लग गए थे। ऑलमोस्ट 15 दिन का जो टाइम है वो लिया था सीईटी सेल ने रिजल्ट अपलोड करने में। तो इस साल भी यही हमें जो है वो देखने को मिलेगा। अगर एग्जामिनेशन के बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है तो 15 से 20 दिन में आपका जो रिजल्ट है वो अपलोड हो जाएगा। तो इस बार 20 तारीख को आपकी एग्जामिनेशन जो है वो खत्म होने वाली है। तो हो सकता है गाइस कि जून के स्टार्टिंग में, फर्स्ट वीक में या फिर सेकेंड वीक में आपका जो रिजल्ट है वो आ जाए। एंड अगर एकदम मतलब स्पेसिफिक जाए तो 9, 10 या फिर 11, 12 तारीख के वो रिजल्ट आने की जो मैक्सिमम चांसेस है वो रहते हैं। तो ये एक्सपेक्टेड डेट्स है गाइस। अगर इस बार री एग्जामिनेशन नहीं हुई तो जून में गाइस आपको एकदम सेकेंड वीक में 9, 10, 11, 12 के आसपास जो रिजल्ट है वो देखने को मिल सकते हैं। इसमें कुछ अपडेट वगैरह आया तो मैं आपको ज़रूर अपडेट कर दूंगा, क्योंकि पूरा स्केड्यूल आता है रिजल्ट की डेट्स का। जैसे ही ये स्केड्यूल आएगा मैं आपको ज़रूर से जो है वो अपडेट कर दूंगा। एंड ऐसे ही अपडेट्स के लिए गाइस टेलीग्राम का ग्रुप भी ज़रूर से जो है वो ज्वाइन कर लेना, वहाँ भी मैं आपको सारे जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो देते रहूँगा। एंड उसके बाद एडमिशन प्रोसेस कब स्टार्ट होती है, कैसे सारी चीज़ें करना है, उसके भी अपडेट्स मैं आपको दे दूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। एंड इस वीडियो में इतना ही। होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स हैं वो मिलते रहें।